चलिए नुबली हंस लाई पी सूअर के छक्के के बच्चे आना आओ सूअर के बच्चे और जाना। तो हेलो गाइस कैसे हो सब लोग। भाई इसी के साथ हम आ गया और एक नए गेम के पबजी मोबाइल का ऑब्वियसली। और भाई दो दिन के बाद वीडियो डाला है इसलिए कि भाई कुछ काम था, एक गेम एक स्क्रीम खेल रहा था इसके वजह से। और इसी के साथ आज हम आ गए सेवरनी पे क्योंकि सेवरनी बिल्कुल हॉट ड्रॉप था, सेवरनी के ऊपर से प्लेन गया था इसलिए आए हैं हम सेवरनी पे। और बंदे ना आजकल ये सीजन पे बहुत रैंक पुश कर रहे हैं, मतलब बंदे नहीं मिल रहा है भाई, बंदे नहीं मिल रहा है सच में भाई, परेशान हो गया सेवरनी पे आया भाई। सेवरनी के बाद ना यहाँ पे तो कम से कम थोड़ा बहुत लूट किया, उसके बाद निकल गए ऐसे, ठीक है जल्दी से जो लूट मिलता है वो लेके निकल गए। लेकिन उसके बाद कहाँ कहाँ बंदे नहीं ढूंढा भाई, इसके चक्कर में ना ये वाले गेम में थोड़ा सा कम किल हुआ है लेकिन ये गेम देखने में बेहद मजा आएगा, बता रहा हूँ पहले बता रहा हूँ, मिस मत कर देना। कंटेंट तो तेरे भाई का रहता है एडिटिंग वगैरह से। और उसके बाद सेवन में थोड़ा बहुत लूट करते हैं और उसके बाद हमें जो चाहिए था, जो पर्टिकुलर लूट चाहिए मारने के लिए बंदे को, वो ले लिया हमने। और उसके बाद हम निकल गए कार लेके और उसके बाद शूटिंग रेंज देखा, उसके बाद आ गए हम जॉर्ज पुल में, जॉर्ज पुल भी देख लिया, कोई नहीं था कहीं पे भी भाई, कोई नहीं था। और उसके बाद जॉर्ज पुल का चक्कर लगा के हम जाते हैं रोजोक पे, भाई रोजोक पे भी बंदे नहीं थे। उसके बाद हम जाते हैं पोचिंकी में, भाई पोचिंकी में भी बंदे नहीं थे भाई, जो परेशान हो गया ना भाई, कहीं पे भी बंदे नहीं थे भाई, मारू तो मारू कैसे। और बंदे मरे जा रहा था भाई, पता नहीं कहाँ पे मर रहा था ये भाई, समझ नहीं आ रहा कि बंदे फाइट कहाँ पे ले रहा है, हॉट ड्रॉप कहाँ पे ले रहा है भाई, मेरा दिमाग से हटके हो चुका है। अगर किसी को पता है ना तो बता देना, वही पे हॉट ड्रॉप करूंगा मैं। और उसी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं हम क्योंकि यहाँ पे ना एक बॉट एक बंदे को मार रहा था, जो बंदा ऑफलाइन था, पता नहीं क्या करने गया था, जब इसको गेम खेलना नहीं है तो आते क्यों है मेरे को पता नहीं। अच्छा ये ऑफलाइन वाले को मार रहे होंगे आज भाई, गलत क्या है। और उसके बाद यहाँ पे एक निहत्ता बॉट और एक निहत्ता बंदे को मारने के बाद मेरा किस्मत ही चमक जाता है भाई, उसके बाद बंदे बंदे मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं मिलिट्री के ब्रिज पे, पता नहीं भाई सारे बंदे शायद तो मिलिट्री पे गए थे या तो नोबू पे, इधर साइड ना बंदे नहीं मिले भाई हमको, एक मिला वो भी ऑफलाइन, उसको बॉट मार रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। और उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रिज पे क्योंकि ब्रिज पे जब हम आते हैं ना, यहाँ पे एक कार ऑलरेडी कैंप कर रहा था, मतलब एक फुल स्क्वाड कैंप कर रहा था। और इनका स्ट्रेटजी देखो भाई, एक बंदा ना लेफ्ट साइड हाई रिज जो कंपाउंड है एक छोटा सा वहां पे है ऊपर, और एक बंदा ब्रिज के पास जहाँ पे कार है उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर चढ़ के बैठा है, और दो बंदा इसका सामने जाके बैठा है भाई, पता नहीं भाई क्या करने की कोशिश कर रहा था मेरे को पता नहीं। और इसी के साथ जैसे हम लोगों को पता चला कि ऊपर ये रिज पे हम जा रहे हैं, यहाँ जो कंपाउंड है यहाँ पे एक ही बंदा है, तो हम इन पे ना घुस जाते क्योंकि हम लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे एक ही बंदा है। और मेरे को ये पता नहीं कि इनके स्क्वाड के सारे बंदे बीच पे है, कोई ऊपर कोई नीचे कैंप कर रहा है, और ये बंदा इतना ऊपर से कैसे कवर देगा उनको मेरे को पता नहीं। और इसी के साथ उनको मार दिया भाई, वो बंदा कहाँ पे छुप के बैठा था। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ सामने, और जैसे ही सामने आता हूँ ना, जैसे ही आगे जाने लगता हूँ एक ड्रिंक करने के बाद, मेरे को दिखता है बंदे तो मैं लेट जाता हूँ। लेकिन भाई मेरे पीछे ब्रिज के ऊपर बंदे होते हैं, जो बंदा मेरे को देख भी लिया होगा लेकिन मेरे को क्यों नहीं मारा मेरे को पता नहीं, मेरे टीममेट को मारता है भाई। भाई मैं कुछ बोलना नहीं है यार, बोले मार गया क्या?
और इसी के साथ जो स्कॉट कैम कर रहा था ब्रिज पे उनको तो हमने मार दिया, लेकिन एक बंदा ये स्कॉट का एक बंदा कहीं ऊपर ही चढ़ के कैम कर रहा था, उसको ना साफ साफ दिख रहा था हम लोगों को। भाई क्यों नहीं मारा मेरे को नहीं पता, अचानक वो मार देता ना तो शायद वो अकेले ले जाता हम तीनों को। लेकिन उसने क्या सोचा, उसने मौली करने का सोचा कि मौली करके हम लोगों को मार देंगे। वाह भाई, मतलब भाई ऐसा यूनिवर्सिटी भाई कहाँ पे है, मेरे को वहाँ पे पढ़ाई करना है थोड़ा सा कि भाई मौली मार के तीनों को मार देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मौली आ रहा है। वाह भाई, भाई इतना दिमाग ना सब में होना चाहिए। और उसी के साथ ना जो मिलिट्री पे स्कॉट था उनमें से तीन बंदों को मार देता है स्कॉट जो कैम्प कर रहा था, और उनमें से एक बंदा कति भाग जाता है हमारी आंखों के सामने से। और ये बंदा इतना डीट होता है कि हम ना चले जाने की एक्टिंग करते हैं यहाँ से, और ये बंदा वो देख के फिर आ जाता है ये ब्रिज पे। लेकिन उस बार हमने इस बंदे को जाने नहीं दिया। और उसके बाद हम लोग ये आखिरी बंदे के लिए ना बहुत होल किए, और उसके बाद आखिर में ये बंदा आता है, वो भी कार चेंज करके बाइक लेके आता है। ये बंदा सोचता है कि बाइक लेके हमारे आंखों के सामने से चले जाएंगे, लेकिन वो जैसे आता है फिर से हम लोग स्पॉट कर लेते हैं। और इस बार ना फिर से वो भागने की सोचता है, लेकिन हम लोग जाने नहीं देते उसको, भाई पेल देते सीधा। भाई ये चाइनीज बंदा था, और इसका नाम क्या था मेरे को नहीं पता, भाई कमेंट करके जरूर बताना कि इसका नाम क्या था, मेरे को इतना चाइनीज पढ़ना नहीं आता, तो जिसको भी पता है ना इसका मतलब क्या है मेरे को बता देना। और उसके साथ भाई हम लोग आ जाते हैं ये बान हाउस पे बंदे ढूंढते ढूंढते, और यहाँ पे बंदे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने में जैसे मैं AWM से एक बंदे का टकला फोड़ देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर तीन तीन बंदे होते हैं, तीन चार बंदे होते हैं। भाई हम लोग ना इतना ग्रेनेड करते हैं भाई, मेरी ग्रेनेड से एक बंदा भी नहीं फटा भाई, कैसे भाई, वो लोग अंदर ही थे भाई, मैं एक दो ग्रेनेड किया भाई, किस्मत इतना खराब क्यों है मेरा। और हमको किल चाहिए चाहिए, क्योंकि मेरे को तो चाहिए भाई। देखो इतनी देर से फाइट करे जा रहे थे, जब से ये पास वाले जो कंपाउंडर ना यहाँ पे एक ऑफलाइन बंदे को मारा था उसके बाद से फाइट करे जा रहे थे, लेकिन मेरा किल घंटा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा भाई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 10 किल नहीं हो रहा है भाई, क्या करें, बहुत परेशान हो गया था। तो उसके बाद हमको दिखता है बंदे, और मैं जैसे एक दो को डैमेज दे देता हूँ, मेरे टीममेट को बोल भी देता हूँ कि बंदे है सामने, और मेरा जुड़वा भाई जाके घुस जाता है उनके अंदर। और यहाँ पे मेरा जुरुआ आते ही ना एक बंदे को कर देता है नॉक, तो अब तो पुश करना बनता ही है, एकदम क्लोज इन कर गया, और अब इनको मार के दम लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा टीममेट बताता है कि ऊपर नेड है, लेकिन मेरे को चाहिए था किल, मैं भाई अंदर घुस गया, ये बंदा ना मार देता मेरे को, पता है अगर मेरा टीममेट का नेड नहीं होता, ये बंदा मेरा टीममेट का नेड से फट जाता है, मेरा जुरुआ का नेट से, भाई क्या खतरनाक नेट किया था बंदे ने। और उसके बाद हम जाते हैं सामने रीच की तरफ, और वो जोन के बाहर था, हमको भी पता था, लेकिन हम जा रहे थे इसलिए कि हमको किल चाहिए था, मैक्सिमम 10 किल तो करने ही है,
सॉरी गलती से मैक्सिमम बोल दिया, वो मिनिमम था भाई, 10 किल करना ही होगा मेरे को, इसलिए भाई मैं घुस गया और घुसते पेल पुला दिया सबको। किस्मत इतना खराब है ना मेरा ये वाले गेम में, किस्मत इतना खराब था कि यहाँ पे जब तक आया मैं भाई, यहाँ पे दो स्कॉट अपने लर्वर के मर गए थे, एक ही बंदा बचे थे जो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था और मैं आके उसको मार दिया, तो भाई सारे मर गए, क्या करे। और अब दो बंदे बचे हैं और 10 किल करने के लिए मेरे को ये 2 किल मांगता ही है भाई, और मेरे को पता था कि जोन आ रहा है और ये दो बंदे पीछे ही है। और इसी के साथ आज का चिकन डिनर हमें मिल गया है भाई, कितना ढूंढा भाई, क्राउन 4 टायर में ना भाई सभी रैंक पुश कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।